हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू साइट 28। माय नेम इज शाबा अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेस्डा सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेस्डा सिस्टम फायर अलार्म सिस्टम से क्या डिफरेंस है, वेस्डा सिस्टम को हम लोग कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। एनिमेशन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और भी बहुत सारे आपको फायर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड, वेस्डा एक्सेस कंट्रोल, FM20 से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के साथ आप जो है आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो वेस्डा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेस्डा का फुल फॉर्म होता है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एस्पिरेटर। ठीक है, तो अब फायर अलार्म सिस्टम से वेस्डा का डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि फायर अलार्म सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं। बेसिकली फायर सिस्टम में क्या होता है, जब तक स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट नहीं होता है तो फायरमैन एक्टिवेट नहीं होता, और उसके बाद हुटर एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन वेस्डा में ऐसा नहीं होता है। वेस्डा जो होता है वो अर्ली डिटेक्शन होता है। इसके अंदर जो पाइप्स होते हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है उसी तरह इसके अंदर जो है पाइप्स होते हैं, वो अलग अलग जोन्स में जाते हैं। लाइक एक पाइप जो है आपके बैटरी रूम में है, एक पाइप आपका UPS रूम में। तो वो पाइप्स के थ्रू जो जो होल्स होते हैं, उसमें होल्स में हम नोजल्स कनेक्ट करते हैं, उस नोजल्स में रिवर्स एयर फ्लो होती रहती है कंटिन्यूसली। और वो क्या करती है, रिवर्स एयर जो है फ्लो होती है उस पाइप के थ्रू वेस्डा पैनल के अंदर। और वेस्डा पैनल के अंदर दो स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज में जो है वो वेस्डा जो एस्पिरेटर डिवाइस होता है, डिटेक्टर होता है, वो पहले फर्स्ट स्टेज में डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, जो कि मैं आपको एनिमेटेड में वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेक करता है। अगर उसे लगता है कि कार्बन के पार्टिकल इतने हैं कि फायर लग सकती है, या फायर वहाँ पर है, या 90% 80% कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो एक्टिवेट होता है अलार्म 1, अलार्म 2 अलर्ट लेवल पे एक्टिवेट, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं जो वेस्डा सिस्टम होता है इसे कहाँ इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेस्डा सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है क्रिटिकल सुन से, लाइक डेटा सेंटर हो गया, आपका UPS रूम हो गया, आपका नेटवर्क रूम्स हो गया, जितने भी क्रिटिकल सुन होते हैं वहाँ पर हम लोग जो है वेस्डा को इंस्टॉल करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि वेस्डा सिस्टम को जो है डायरेक्टली UPS सिस्टम है, या SMPS आपका है, या कोई रैक्स है डेटा सेंटर के, उसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग माउंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते फायर का बिल्कुल भी। अगर ज़रा सा भी स्मोक अगर आता है तो ये जो है बहुत ही फास्ट तरीके से जो है वो स्मोक डिटेक्ट कर लेता है कार्बन पार्टिकल्स को, और जो है अलार्म मोड में चले जाता है। यानी आपको एक तरह का इंटीमेशन अलार्म आ जाता है कि यहाँ पर जो है इस जोन में, पर्टिकुलर जोन में फायर लगने के चांसेस, और फायर लग सकता है। वेस्डा सिस्टम को हम लोग जो है फायर अलार्म सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जब वेस्डा सिस्टम की जब डिज़ाइनिंग का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है इसका पाइप इंस्टॉल होता है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, या 1 मीटर या 1.5 मीटर की डिस्टेंस हम लोग नोजल्स लगाते हैं, वो मैं ट्राई करूंगा जब मैं डिज़ाइनिंग का वीडियो आपको बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छे समझने के लिए मैं आपको एनिमेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ, एनिमेशन वे में ये किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिलेटेड या कोई भी और वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी क्वेरी कमेंट में सॉल्व नहीं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको इसका रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।